फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्तकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। जेल प्रहरी कांस्टेबल वन रक्षक के लिए बहुत ही शानदार वीडियो आज के लिए आपके लिए गणित का लेके आई हूँ। गणित के जिस तरह से प्रश्न हम देख रहे हैं कि जिस तरह से कल की और आज की शिफ्ट में पूछे गए हैं, वही प्रश्न हम करने वाले हैं, ट्रिक द्वारा करेंगे और इसी से मिलते जुलते प्रश्न आपको अपनी शिफ्ट में मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम व लघुत्तम समवर्तक 13 और 55 है, यदि एक संख्या 65 है तो दूसरी संख्या क्या है। देखो, जब इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है तो एक सूत्र होता है, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर महत्तम समवर्तक इंटू लघुत्तम समवर्तक। पहली संख्या, जैसे कि पहली संख्या इन्होंने आपको कितनी दी है, पहली संख्या इन्होंने दी है 65, तो पहली संख्या की जगह 65 लिख लेंगे। दूसरी संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या ही लिखी रहने देंगे। इक्वल टू महत्तम समावर्तक इंटू लघुत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक कितना दिया है 13 और लघुत्तम समावर्तक कितना दिया है 455। अब आपको इनमें चारों में से ये चार डिजिट दिए हैं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, महत्तम समावर्तक इंटू लघुत्तम समावर्तक, इसमें से कोई एक चीज़ उन्होंने नहीं दी है। वो क्या नहीं दी है? दूसरी संख्या। तो बस 65 को नीचे ले जाएंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, तीन संख्या 24, 30 और 84 से विभाजित करने वाली सबसे छोटी संख्या निकालो। इन तीनों से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या आपको फाइंड करना है। तो जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले विभाजित वाला पूछ रहे हैं कौन सी होगी, सबसे छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, तो अपन को एलसीएम निकालना रहता है। तो 24, 30 और 84 का एलसीएम निकालेंगे। 24, 30 और 84 का एलसीएम निकाला और इसको सॉल्व किया। ये जो डिजिट आती है इसको आपने इंटू करना है। इंटू करने पर कितना आ गया, यहाँ पे 840 आ गया, 4 × 3 = 12, 12 दुनी 24 और 5 × 7 = 35। 24 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 840। तो यही आपका आंसर आ जाएगा, वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, 840 है। जब ऐसा ही आएगा कि तीनों संख्याओं में से 24, 30 और 84 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है, तो आपको एलसीएम निकाल के इंटू कर देना है। अगला क्वेश्चन है, √5 * √8, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इस स्टार का मतलब होता है यहाँ पे इंटू, 5 का जब 8 में अपन इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट का मतलब होता है दो दो के पेयर बनना चाहिए। तो 5 × 8 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 का जब हम स्क्वायर एलसीएम निकालेंगे, मतलब वर्गमूल निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 और 2 × 5 = 10। तो आप देख रहे हैं कि इस 2 का तो पेयर बन रहा है, लेकिन ये 2 और 5 का पेयर नहीं बन रहा है। तो जिसका पेयर बन रहा है उसको बाहर लिख देते हैं और जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसको अंदर लिख देते हैं। जिसका पेयर बना, मतलब 2 का पेयर बना तो 2 बाहर आ जाएगा, और 2 और 5 का नहीं बन रहा है तो ये अंदर आ जाएगा। अगला है, 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 30 वर्ष है, यदि परिवार के सबसे बुजुर्ग 70 वर्ष के हैं तो शेष लोगों की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो, 5 लोगों के निकालना है तो नीचे कितना जाएगा, टोटल संख्या 5 आ जाएगी। 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 30 वर्ष आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यदि परिवार के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति की सब 70 वर्ष के हैं तो यहाँ पे क्या जाएगा, 70। अब ये 5 टोटल हैं, 1 70 साल का हो गया, तो बचे कितने, 4। तो 4 की निकालना है तो लिख देंगे शेष 4 लोगों की आयु। तो शेष 4 लोगों की आयु प्लस 70/5 = 30। अब शेष 4 लोगों की आयु अपन को निकालना है तो सबसे पहले 30 में किसका इंटू कर देंगे, 5 का, और 70 को इस तरफ ले जाएंगे माइनस में, तो कितना हो जाएगा, 80। 4 लोगों की निकालना है तो ये 4 नीचे आ जाएगा, तो कितना जाएगा, 4 नीचे जाएगा, तो 80 का 4 में भाग दे देंगे, 20 साल आ जाएगा। 50 विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों का औसत कितना है, 75 है, यदि एक विद्यार्थी द्वारा 86 की जगह 36 लिख दिया जाए तो सही औसत क्या है। कुल विद्यार्थी कितने हैं, 50, औसत कितना आया है, 75, तो कुल योग कितना आएगा। योग का मतलब होता है जो भी प्राप्तांक हो और जो भी औसत हो उन दोनों का इंटू कर दिया जाए, तो कितना हो जाएगा, 3750। तो औसत कितना हो जाएगा, कुल योग बटे कुल संख्या। तब प्रश्नानुसार औसत हम निकाल लेंगे, ये 3750 प्लस, अगर हम देखें कि यहाँ पे गलती से क्या लिखा है, 86 की जगह 36 लिखा है, तो प्लस क्या कर देंगे, 86 − 36, टोटल कितने हैं, 50, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। यदि एक वर्ग में 30 लड़कों का औसत स्कोर 80 है और उसी वर्ग में 20 लड़कियों का औसत स्कोर 90 है तो पूरे वर्ग का औसत स्कोर क्या होगा। देखो, कुल औसत का और कुल का क्या होता है, गुणा होता है। तो 30 का हम काय में गुणा करेंगे, 80 में, तो ये कर दिया, प्लस
उसी वर्ग में 20 लड़कियों का औसत स्कोर 90 है, तो 20 का किस में कर देंगे 90 में, बटे 30 धन 20, मतलब टोटल कितने 30 लड़के हैं तो नीचे आ गया 30, लड़की कितनी है 20 तो नीचे आ गया 20, 30 और 20 का हम टोटल कर देंगे तो आ जाएगा 30 का 8 में इंटू किया तो कितना जाएगा 2400, 20 का 90 में इंटू किया तो कितना है 1830, और 22 को प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा 50, इन दोनों का डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अगला है, एक टोकरी में 10 सेब और 15 संतरे हैं, एक सेब का मूल्य 9 रुपये है और एक संतरे का मूल्य 5 रुपये है, तो देखो कुल कितने संतरे हैं 10 और एक कुल कितने सेब हैं 10 सेब हैं, एक सेब कितने का है 9 रुपये का, तो 10 कितने के हो जाएंगे 90 रुपये के, एक संतरे का मूल 5 है, 15 संतरे का निकालना है तो 15 और 5 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, तो औसत निकालना है तो पहले टोटल आ जाएगा 90 प्लस 75, फिर इनके कितने हैं टोटल तो ये आ जाएगा 10 प्लस 15 और डिवाइड कर देंगे आंसर आ जाएगा। अगला है, यदि 3 प्रेक्षण 80 फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप टेलीग्राम फेसबुक ट्विटर इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, फॉलो करके हाय लिखकर मैसेज कीजिएगा ताकि आपको एक ग्रुप बनाया जाएगा उसमें भी जोड़ लिया जाएगा, और इसके अलावा अगर आपने मुझे व्हाट्सएप पर अपना नंबर सेव नहीं करवाया है तो 6260190944 पर अपना नंबर भी सेव करा दीजिए, वहाँ भी आपको इम्पोर्टेंट मटेरियल मिलता रहेगा स्टेटस के थ्रू। 3 प्रेक्षण हैं 80, 82, 70 और चौथा 5वें प्रेक्षण का दुगना है, चौथा क्या है 5वें प्रेक्षण का दुगना है तो पांचवा हम x मान लेंगे और चौथा क्या है 5वें का दुगना है तो चौथा क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो बस 80, 82, 70 दिया है, चौथा 2x आ गया, पांचवा x आ गया, इसका औसत कितना दिया है इन्होंने हमको प्रेक्षण, तो दो प्रेक्षण निम्न है तो औसत कितना आ गया, टोटल कितना है 5 और औसत कितना दिया है आपको 95, इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 232, 2x और x को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, इन दोनों का गुणा कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। एक कक्षा में 11 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक 25, 6, 15, 8, 22, 16, 9, 21, 18, 13 और 20 है, माध्यिका निकालिए। माध्यिका का सूत्र क्या होता है, n प्लस, अगर विषम संख्या होती है, विषम है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ग्यारह है, विषम संख्या होती है तो सूत्र ये वाला लगता है माध्यिका के लिए, n प्लस 1/2 वा पद। इसके अलावा जो अगर हम देखेंगे जब इस प्रकार से बहुत सारी संख्या दी होती है तो हम उनको आरोही क्रम में लिख देते हैं, आरोही क्रम मतलब होता है पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, तो सबसे छोटा क्या है 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 13 है, फिर 15, 16, 20, 21, 22, 25, तो ये सूत्र लगाएंगे। एन का मतलब होता है यहाँ पर जितनी संख्या है, टोटल संख्या कितनी है एन है 11 है, तो एन की जगह हम लिख देंगे 11 प्लस 1/2, 11 और 1 कितना हो जाएगा 12, 12/2 मतलब 6 हो जाएगा। छठवां पद इनमें से कौन सा है, छठवां पद है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो छठवां पद कितना आ जाएगा यहाँ पे 16, तो 16 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में अमन को 65% मत प्राप्त हुए और 3000 मतों के अंतर से वो विजयी रहा, डाले गए मतों की संख्या निकालो, तो माना डाले गए मतों की संख्या कितनी है x है और अमन को प्राप्त मत कितने हुए x का 65%, कुल मत का 65% प्राप्त हुआ है मतलब x का 65% और 3000 मतों के अंतर से विजयी रहा, अतः हारे गए प्रत्याशी को मत कितने प्राप्त होंगे, कुल मत माइनस विजयी प्रत्याशी को मत, कुल मत हमने कितने माने x, विजयी प्रत्याशी कितना है x गुणे 65/100, बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा। इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो, ये एक ट्रिक होती है, x और m माइनस n इंटू 100, x मतलब होता है जितने मतों का अंतर रहा है, m पहले होगा जितने मतों से जीता और n मतलब जितने मतों से हारा, तो अगर 65% मतों से जीता है तो 100 में से हम 65 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 35 आ जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर जाएगा। ये ट्रिक भी आप यूज़ कर सकते हो, ये ट्रिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, x बटे m माइनस 9 इंटू 100, x मतलब जितने मतों से हारा तो 3000 मतों से हारा या जीता, जितने मतों से हारा या जीता कुछ भी रहो, मतलब मत तो जीतने और हारने की भी जो अंतर होता है वो ऊपर लिखाता है, जितने मतों प्रतिशत उससे हारा या जीता वो m हो जाएगा ज़्यादा वाला और n जो होगा कम वाला हो जाएगा। एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो इसके लिए ये वाला ट्रिक होता है लाभ प्रतिशत का,
ये वाला आप ट्रिक लगा सकते हैं, इसका सूत्र होता है m माइनस एन बटे एन गुणित 100। ये ट्रिक कैसे लगेगी, देखो क्या बोल रहा है, 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। देखो एक तो हो गया 20, अब 4 मीटर को तो 20 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 20 माइनस 16 बटे 100 इंटू 100, इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये एक ट्रिक है, एक वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, उस वस्तु को कितने रुपये में बेचा जाए 10% का लाभ हो। तो देखो ये एक सूत्र होता है x 100 प्लस एन और 100 माइनस m। देखो यहाँ पे जो m और n होते हैं ये लाभ और हानि होते हैं, जो विक्रय मूल्य होता है वो इस x की जगह पे आता है। तो विक्रय मूल्य की जगह जैसे हमने 72 लिख दिया और 100 है लाभ, जैसे यहाँ पे अगर लाभ कितना है ऊपर देख लेते हैं, जैसे कि लाभ है 10 और हानि है 10, तो इस x की जगह हम क्या लिख लेंगे, 72 और 100 प्लस लाभ की जगह भी 10 आ जाएगा और n हानि की जगह भी 10 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, 72 गुणित 110 बटे आ जाएगा 90। इसको सॉल्व कर लेंगे, 9 एकम 9, 9 8 हो जाएगा 72, तो 11 8 कितना हो जाएगा 88, ये आपका आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, बहुत ही शानदार प्रश्न थे। ऐसे ही इंग्लिश का और रीजनिंग का क्वेश्चन भी और जीके का क्वेश्चन भी लेके आऊँगी जो शिफ्ट में पूछे गए हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।